नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तब आप इसे बना सकते हैं। मात्र एक चम्मच ऑयल और पोहे से बना ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी हेल्दी होता है, बड़े हो बच्चे हो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा ले लिया है। अब इसे हम पानी से धो लेंगे। तो अच्छे से धोने के बाद इसे इसी तरीके से हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे पानी से धो दी हूँ और इसी स्टेनर में हम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर ही इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाएगा और पोहा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस पोहे को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम 1/2 कप जितना सूजी डालेंगे। तो सारी चीज़ें हम नाप के लेंगे। 1 कप पोहे के साथ 1/2 कप सूजी डालेंगे और 1/2 कप हमें चाहिए दही। तो यहाँ पे मैंने इसमें सूजी डाल दिया है और यहाँ पे 1/2 कप दही डाल दिया है। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ें इस तरीके से नाप के लेंगे तो जैसा डो हमें चाहिए उस तरीके से ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए, बिल्कुल डो की तरह ये निकला है। तो इसी तरीके का एकदम टाइट सा बैटर हमें बनाना है इसका। इससे क्या होगा कि नाश्ते का शेप अच्छा हम दे पाएंगे। यदि बाई चांस आपका थोड़ा गीला हो जा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं मिर्च ली हूँ, तो ये जो ताजी वाली लाल मिर्च होती है वही वाली मिर्च है। कैंची से इसे हम बारीक बारीक काट देंगे। साथ ही में कुछ करी पत्ते बारीक काट के इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। इससे जो नाश्ता है दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लाल मिर्च की जगह पर। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच की जितना काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक और हाथों से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल और कम कई तरह की अलग अलग नाश्ते की रेसिपी आपको मेरे काफ़ी हेल्दी होती मिल जाएगी, टेस्टी भी बहुत लगता है, देखिएगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और बिल्कुल ये डो की तरह हो गया है। हाथों को साफ कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक थाली ली है। थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता इस पे रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने पोहा डाला है तो थोड़ा सा ये चिपचिपा रहता है। हाथों में ऑयल लगाने के बाद इसको हम शेप देंगे। तो इस तरीके से पहले गोल करके हम टिक्की का शेप देंगे और उंगली से इसे हम बीच में होल कर देंगे, जिससे कि नाश्ता दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और जो थाली हमने तैयार करके रखी है उसमें इसे डालते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा भी मेरा बन गया। सेम तरीके से मैंने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। एक बार में जितना थाली में अच्छे से आ जाए डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने बैठा दिया था, पानी से भाप निकल रहा है, उसी पे हम इस प्लेट को रखेंगे और कवर करके इसे हम 15 मिनट तक पकने देंगे। लीड में जो होल रहता है उसे हम बंद कर देंगे। इस तरीके से टिश्यू पेपर से या फिर किसी कपड़े के छोटे से टुकड़े से आप इसे बंद कर सकते हैं। 15 मिनट बाद इसे चेक किया है, देखिए नाश्ता का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और अच्छे से ये पक गया है। तो अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हाथों से छूने लायक हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। जैसा मैं आपको छू के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये नाश्ता। यदि आप बिल्कुल ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यदि इसे आप और भी चटपटा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच जितना सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच राई दाना डाल देंगे, साथ ही में 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ता डाल देंगे और प्याज को बढ़िया से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्याज जो है अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और थोड़ी देर इसे हम और भून लेंगे। तो सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, इससे कलर बढ़िया दिखेगा। साथ ही में 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 पैकेट मैगी मसाले का डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप मैगी मसाला की जगह पे मंचूरियन मसाला या फिर पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। अपनी पसंद के मसालों के साथ इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद हो।
थोड़ी देर इसे भुना है और अब इसमें हम आधा कप के जितना पानी डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे आधे नींबू का रस, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और एक चम्मच जितना चीनी, इससे हल्का सा खट्टा मीठा ये नाश्ते का टेस्ट आएगा। यदि आपको पसंद नहीं है तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो हमने नाश्ता तैयार करके रखा है इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसे हम इन मसालों के साथ पका लेंगे, जिससे कि सारा फ्लेवर मसालों का नाश्ते के अंदर में आ जाएगा। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे और 1 मिनट इसे हम कवर करके पकाएंगे। तो 1 मिनट के बाद जो देखिए नाश्ते का कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल कम तेल मसालों में बना हुआ है तो बहुत हेल्दी भी है। आप इसे 2 तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।